Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीम सीरीज की थर्ड फिल्म स्क्रीम 3 के बारे में। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई है और इसे डायरेक्ट किया है वेस क्रेवन ने। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, स्क्रीम 3 शुरू होती है कॉटन वैरी के साथ। हमें पता चलता है स्क्रीम 2 के बाद अभी वो एक नेशनल हीरो बन चुका है। सिडनी ने जो क्रेडिट उसे दिया था उसके वजह से आज वो एक सेलिब्रिटी है। एक बहुत ही फेमस टॉक शो होस्ट करता है जिसका नाम है 100% कॉटन। लेकिन उसकी ये खुशहाल जिंदगी में एक दिन बिल्कुल अचानक से ही एक सिंपल सा फोन कॉल सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये कॉलर जो कोई भी था वो वॉइस चेंजिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। वो कॉटन से सिडनी के बारे में पूछता है, ना बताने पर वो कॉटन की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को मार डालेगा। और ये मजाक नहीं था, क्योंकि कॉटन फोन रखते ही हम उसके घर में क्रिस्टीन पर हमला होते हुए देख पाते हैं। मतलब फिर से एक बार ये घोस्ट फेस किलर वापस आ चुका था। फिर से एक बार मौत का सिलसिला शुरू होने वाला था और इस बार उसका निशाना था सिडनी। रास्ते में जो भी आएगा वो सभी को मार डालेगा। इस खेल में पहला शिकार बनती है क्रिस्टीन और उसे बचाने के चक्कर में कॉटन भी। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे डिटेक्टिव मार्क और उसे पता था किससे मदद मिल सकती है। वो उसी दिन मिलने जाते हैं गेल से और उसे एक फोटो भी दिखाते हैं जो कॉटन के लाश के पास वो खूनी छोड़ गया था। ये फोटो थी मॉरीन प्रेस्कॉट की, मतलब सिडनी की माँ की। मतलब इस केस के साथ सिडनी का डायरेक्ट कनेक्शन है, मगर सिडनी है कहाँ? हमें पता चलता है दो बार मौत को इतने करीब से देखने के बाद सिडनी काफी बदल चुकी है। वो अभी एक नए नाम नए आइडेंटिटी के साथ कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में रहती है और वुमेन क्राइसिस काउंसलिंग सर्विस में काम करती है, मेनली वर्क फ्रॉम होम। उसके साथ उसकी डॉगी है और वो घर में हाईटेक सिक्योरिटी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि फिर से कोई घोस्ट फेस किलर उस पर हमला कर सकता है। उसका यह डर सच साबित होता है जब उसे टीवी पर कॉटन वैरी के मौत के बारे में पता चलता है। इस मर्डर का डायरेक्ट इफेक्ट एक फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर भी पड़ता है जिसका नाम है स्टैप 3। ये फिल्म स्टैप 2 का सीक्वल है और वुड्सबोरो मर्डर केस पर बेस्ड है। इस फिल्म में कॉटन भी इन्वॉल्व था, तो उसके इस भयानक मौत के बाद इसे कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस फिल्म का नाम है स्टैप और कॉटन स्टैप्ड ही हुआ था। तो पब्लिक रिएक्शन के बारे में सोचकर ही डायरेक्टर रोमैन का बीपी हाई हो रहा था। तो इस सब के बीच गेल जस्ट लाइक अ बॉर्न रिपोर्टर कैमरा लेकर पहुंच जाती है स्टैप 3 के सेट में। उसका इंट्यूशन कह रहा था जो कुछ भी घोटाला है यहाँ से ही शुरू हुआ है। और यहाँ पर आने पर उसके साथ मुलाकात होती है डूई की, जो यहाँ पर कैरेक्टर को ग्रूम करने का पार्ट संभालता था। मगर सिर्फ इस बात को हजम कर ले इतना बुद्धू तो गेल है नहीं, तो वो उसे फोर्स करती है और उसे पता चलता है कुछ महीने पहले एक अनजान व्यक्ति ने सिडनी के रिकॉर्ड्स चुराने की कोशिश किया था। फॉर्चुनेटली डुई ऑलरेडी रिकॉर्ड्स छुपा दिया था, मगर जब स्टैप 3 बन ही रहा है तो हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ है जिससे वो चारों तरफ नजर रख सके। मगर ये किलर भी बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे पता है किसे कैसे मैनिपुलेट करना है और अभी तो उसे इस हाइड एंड सीक वाले गेम में भी मजा आने लगा था। हम देखते हैं ये खूनी एक स्टैप 3 कैरेक्टर सैरा को डायरेक्टर रोमैन के आवाज कॉपी करके ऑफिस बुलाता है और वहाँ बहुत ही बेरहमी से उसका खून कर देता है। डुई और गेल को लगता है ये मर्डर्स असल में एक पैटर्न में हो रहा है, जैसे स्टेप 3 के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो इस पैटर्न में नेक्स्ट है गेल, मतलब इस मूवी में जो गेल बनी है जेनिफर। उसके पास ऑलरेडी एक बॉडीगार्ड है स्टीवन नाम से, मगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ड्यूई डिटेक्टिव मार्क से बात करता है, मगर वो इस पॉसिबिलिटी पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि स्क्रिप्ट एक नहीं बल्कि 3-3 है, तो नेक्स्ट कोई भी हो सकता है। सैरा के केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त पुलिस को उसके कलीग से पता चलता है सैरा रोमैन से मिलने गई थी। भले ही वो इस बात से इनकार करता है और हमें भी पता है कि वो खूनी नहीं है, मगर फिर भी उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है इंटरोगेशन के लिए और इसके साथ ही ये फिल्म भी परमानेंटली क्लोज्ड हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, सैरा के लाश के पास पुलिस को फिर से मॉरीन की फोटो मिली है, सो फॉर श्योर ये कोई क्लू है। उधर गेल को खबर मिलती है खूनी ने सैरा को रोमैन के फोन से नहीं बल्कि किसी क्लोन्ड फोन से कॉल किया था जो अनट्रेसेबल है, और आपस में बात करते हुए वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि ये खूनी मॉरीन की जो फोटोज छोड़ रहा है वो उसकी बहुत यंग एज की है। उस समय वो कहाँ थी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस खूनी को ये फोटोज कहाँ से मिल रही। लेकिन अचानक से ही डुई की नजर पड़ती है फोटो में मॉरीन के पीछे जो बैकग्राउंड है उस पे, और वो तुरंत ही पहचान लेता है इस जगह को, क्योंकि ये तो यही स्टूडियो है जहाँ अभी स्टेप 3 का शूटिंग चल रहा है। मतलब इस स्टूडियो के साथ मॉरीन का कोई सीरियस कनेक्शन जरूर है।
जब वो लोग यही सब डिस्कस कर रहे थे, उनसे बस कुछ ही मिनट के दूरी पर स्टीवन पेट्रोलिंग कर रहा था। उसे कॉल करता है घोस्ट फेस किलर, वो भी डुई की आवाज में, और उसे भी मार डालता है। मतलब ये खूनी अभी इनके घर में भी पहुंच चुका था। फिल्म बंद हो जाने के दुख में सारे एक्टर्स आज इसी घर में फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, तो इन सबकी जान खतरे में थी। डुई उन्हें घर से बाहर निकालता है, मगर ये खूनी बेहद चालाकी से एक कैरेक्टर टॉम को घर के अंदर ही फंसा लेता है और इस पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। तो गेल, डुई, जेनिफर और एक कैरेक्टर एंजेलिना जान से तो बच गई थी, मगर इस खूनी के हाथ से नहीं। ये घोस्ट फेस किलर फिर से एक बार गेल पर हमला करता है। डुई उसे शूट भी करता है, मगर समहाउ वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उनके लिए छोड़ जाता है तो सिर्फ एक और क्लू, मतलब मॉरिन की एक और फोटो जिसके पीछे लिखा हुआ था आई किल्ड हर। नाउ दिस स्टेटमेंट चेंज्ड मेनी थिंग्स। अभी तक सभी को पता था मॉरिन को बिली और स्टू ने मारा था, जिन्हें सिडनी ने मार डाला, तो ये थर्ड किलर कहां से आ गया? इस बारे में उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिडनी ही मदद कर सकती है, मगर उन्हें तो पता ही नहीं कि उनसे ज्यादा सिडनी को खुद मदद की जरूरत है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद घोस्ट फेस किलर को सिडनी का नंबर मिल चुका है। पहले तो वो उसे उसकी माँ के आवास से कॉल करके इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, सारा के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करके वल्नरेबल कर देता है, क्योंकि फिर से एक बार उसे अपने मौत को फेस करने के लिए तैयार होना था। तो नेक्स्ट ही सिडनी डुई से मिलने जाती है। वहां पर गेल और डिटेक्टिव मार्क भी थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे इस खूनी को सिडनी का नंबर कहां से मिल सकता है। जो भी हो, अभी वो यहां पर है तो उसे सिक्योर रखना अभी इनकी जिम्मेदारी है। सिडनी को उस स्पॉट पे जाना था जहां उसकी माँ की ये तस्वीर ली गई थी, यानी कि स्टेप 3 के सेट में, और वहां पर जाने के बाद ही तुरंत फिर से एक बार ये घोस्ट फेस किलर हमला कर देता है सिडनी पर। सिडनी सेट के अंदर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन इस भूलभुलैया से बाहर निकलना इजी नहीं था, क्योंकि ये सेट उसके घर के जैसा दिखता था, मगर घर नहीं था, प्रैक्टिकली बनाया ही नहीं गया था। लेकिन फिर भी सिडनी फिर से एक बार अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन कब तक वो ऐसे भाग सकती है? इससे अच्छा वो लोग इस खूनी को अगर ढूंढ निकाल पाए तो सभी चैन की सांस ले सकते हैं। तो सभी मिलकर इसी काम में लग जाते हैं। गेल और जेनिफर मिलकर स्टूडियो के आर्काइविस्ट से मिलने जाते हैं, जिसके पास स्टूडियो की पुरानी फोटोज मिल सकती है, और पूरे $2,000 के बदले में उन्हें पता चलता है सिडनी की माँ मॉरिन इसी स्टूडियो में काम करती थी बहुत साल पहले। उसका स्क्रीन नेम था रेना रेनॉल्ड्स, और उसने 3 फिल्म्स भी की थी, जिसका डायरेक्टर था जॉन मिल्टन, जो असल में स्टेप 3 का भी प्रोड्यूसर है। सो हियर कम्स द रूट कनेक्शन। तो इन फोटो से ये खूनी मॉरिन के उसी पास्ट के बारे में कुछ हिंट्स देना चाहता था। जॉन मिल्टन से जाके मिलने पर डुई, केल और जेनिफर को ये पता चलता है कि मॉरिन हॉलीवुड में करियर बनाने के लिए बहुत ही डिस्परेट थी। रोल्स पाने के लिए उसने कई सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ फिजिकल भी हुई थी, मगर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। लेकिन डुई और गेल समझ नहीं पा रहे थे इस सब से इस खूनी का क्या मतलब। वो लोग जॉन के ऑफिस से वापस आने लगते हैं, और रास्ते में उन्हें सिडनी कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि वो मार्क के साथ मिल्टन के घर जा रही है, क्योंकि मिल्टन ने उसे कुछ सीक्रेट बताने का प्रॉमिस किया है। तो गेल, डुई और जेनिफर भी मिल्टन के घर जा पहुंचते हैं, मगर वहां ना मिल्टन था ना सिडनी, बल्कि यहाँ पर तो रोमैन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यहाँ पर स्टेप 3 के 2 एक्टर्स एंजेलिना और टाइसन भी थे। मिल्टन का ये घर बहुत ही शानदार है। तो जब गेल और ड्यूई सिडनी के लिए वेट कर रहे थे, तभी बाकी के लोग इस घर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। जेन और रोमैन जाते हैं बेसमेंट के तरफ, और एंजेलिना टाइसन के साथ घर के अंदर ही घूमने लगती है। उधर बहुत देर तक वेट करने के बाद जब सिडनी नहीं आती, तो डुई उसी नंबर पर कॉल बैक करता है, और उन्हें पता चलता है ये फोन तो इसी घर के एक क्लोजेट के अंदर बच रहा है। मतलब ये कॉल सिडनी ने किया ही नहीं था, ये उसी खूनी का एक चाल था उन्हें इस घर में बुलाने के लिए। तो डुई और गेल तुरंत बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने जाते हैं। बेसमेंट में जाने पर गेल को जेनिफर तो मिलती है, मगर रोमैन को ऑलरेडी ये खूनी मार चुका था। वो दोनों ऊपर भागती है और उन्हें एंजेलिना मिलती है, मगर वो इतना पैनिक कर रही थी कि एक ग्रुप से अलग होकर भागने लगती है, और देखते ही देखते इस खूनी का शिकार बन जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से जेनिफर और गेल फिर से एक बार भागने लगते हैं। उन्हें डुई और टाइसन दोनों ही मिल जाते हैं, मगर ये खूनी उनके बीच आ जाने की वजह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जिसे जो रास्ता मिला उसी रास्ते से भागने लगते हैं। डुई इस खूनी को रोकने जाता है, मगर ये घोस्ट फेस किलर उसके हाथ पे स्टैप करके उसे जोर से पंच करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। टाइसन भी उससे लड़ने लगता है, लेकिन बदले में ये खूनी उसे एक के बाद एक जख्मी करके बालकनी से नीचे फेंक देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
जेनिफर डर के मारे बाथरूम में छुप गई थी, मगर गलती से वो दरवाजा खोलकर इस घर के सीक्रेट पैसेजवे में पहुंच जाती है। उसे लगता है वो यहाँ पर सेफ है, लेकिन शायद इस खूनी को भी इस घर का कोना कोना पता था। वो भी इस पैसेजवे में पहुंच कर जेन का पीछा करने लगता है और क्वाइट इजीली उसे मार भी डालता है। अभी सिर्फ जुई और गिल बचे थे जिन्हें ये खूनी अपने कब्जे में ले लेता है, मगर मारता नहीं, क्योंकि ये लोग ही तो उसके लिए बेट का काम करेंगे। उसे तो सिर्फ सिडनी से मतलब है। तो ये खूनी सिडनी को कॉल करता है और इन दोनों को मारने की धमकी देता है, जिससे सिडनी मार्क को बिन बताए पुलिस स्टेशन से निकलने पे मजबूर हो जाती है। वो अपने साथ एक लोडेड गन लेना तो नहीं भूलती, मगर घर के अंदर आने से पहले ही ये खूनी उसे वो गन फेंकने के लिए कहता है, जो सिडनी को मारना ही पड़ता है। अंदर उसे डुई और गेल मिलते हैं, जिन्हें ये खूनी हाथ मुंह बांध कर रखा था। सिडनी जैसे ही उन्हें खोलने जाती है, ये खूनी उन पर हमला कर देता है और सिडनी अपनी एक सीक्रेट बंदूक से उसे शूट कर देती है। उसे लगा था वो मर चुका है, मगर इतने सारे गोली लगने के बाद भी वो वहां से गायब हो चुका था। जैसे ही सिडनी उसे ढूंढने जाती है, उसे वहां डिटेक्टिव मार्क मिलता है। सिडनी को पुलिस स्टेशन में ना पाकर उसे ही ढूंढने आए थे वो यहाँ पर। उसे टायसन से ऑलरेडी पता चल चुका था कि आज यहाँ पर पार्टी है, तो उसने बस एक गेस किया और बिल्कुल ठीक समय यहाँ पर पहुंचा। मगर इस खूनी के हाथ से कोई नहीं बच सकता था, तो वो इस डिटेक्टिव को भी मार कर बेहोश कर देता है। ड्यूई और गेल को बचाने के लिए सिडनी इस खूनी को ललचा कर मिल्टन के स्टडी में जाकर छुप जाती है। उसे पता था ये खूनी उसका पीछा जरूर करेगा। वो स्टडी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, उधर सिडनी को इस स्टडी के अंदर और एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस कमरे में टीवी चल रहा था। टीवी पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें सिडनी की मॉम मॉरेन थी कॉटन के साथ और बिली लुमिस के पिता के साथ, और इसे चला रहा था दी घोस्ट फेस किलर। वो एक दूसरे दरवाजे से ऑलरेडी इस रूम में पहुंच चुका था और सिडनी के सामने जाते ही वो अपना नकाब हटाता है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं स्टेप 3 डायरेक्टर रोमैन था। उसकी और एक आइडेंटिटी भी थी, वो सिडनी का स्टेप ब्रदर था, मॉरेन का बेटा। मॉरिन जब हॉलीवुड में थी तब उसके अफेयर्स का रिजल्ट है रोमैन। 4 साल पहले उसने अपने माँ को ढूंढ निकाला, मगर मॉरिन उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं की। उसने कहा रोमैन रेना का बेटा है, उसका पास सेल्फ जो मर चुकी है। उसने रोमैन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, तो रोमैन भी डिसाइड कर लिया था कि वो इसका बदला लेगा। तो वो मॉरिन को फॉलो करने लगा, उसकी कमजोरी को जानने लगा और तभी उसे पता चला बिली के पिता के साथ उसके अफेयर्स के बारे में। तो उसने बिली को इस अफेयर के बारे में इन्फॉर्म किया, मॉरिन के अगेंस्ट भड़काया और उसी के कहने पर बिली ने स्टू के साथ मिलकर मॉरिन को मारने का प्लान बनाया, कॉटन को फंसाया और जब वो इतना सब कुछ करने के बाद भी बच गया तो खुद को हीरो समझने लगा और उस बेवकूफ ने सिडनी के सामने सारे क्रेडिट्स खुद पर ले लिया और रोमैन को सेफ रख के खुद ही मर गया। इतना तक तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन इसके बाद सिडनी को जो हीरो और सर्वाइवर का सम्मान मिलने लगा, सिंपैथी मिलने लगा, वो सब रोमैन को सहन नहीं हुआ, तो वो फिर से एक बार स्ट्राइक करने पे मजबूर हो गया। मुझे लगता है जब उसे इंटरोगेशन के दौरान पुलिस स्टेशन ले गया गया था, तभी उसने सिडनी का फाइल देखा था, मतलब चोरी किया था और वहां से ही उसे सिडनी का नंबर मिला था। और इस बार उसने सब कुछ बिल्कुल एंड टू एंड परफेक्टली प्लान रेडी भी किया है। वो इस बार सिडनी को कोई भी फेम सिंपैथी कुछ भी पाने नहीं देगा, वो सिडनी को सबके नजरों में विलेन बनाएगा। उसने जॉन मिल्टन को हॉस्टेज बनाया है और उसके आंसरिंग मशीन में सिडनी के वॉइस में एक स्पीच रिकॉर्ड किया है कि सिडनी को पता चला है कि इसी मिल्टन ने उसके माँ का रेप किया था, उसके वजह से ही हॉलीवुड छोड़ना पड़ा था उसके माँ को, नई आइडेंटिटी के साथ मॉरिन बनकर रहना पड़ा। जिस आदमी के लिए उसके माँ का अपना जीवन बर्बाद हो गया, उसका कोई भी प्रोडक्शन कैसे सक्सेसफुल होने दे सकती है सिडनी। सो इसीलिए वो यहाँ पर आज पहुंच चुकी है घोस्ट फेस किलर बनकर, क्योंकि इस कंडीशन में वो एलिबाई ही परफेक्टली सूट करता है। मतलब प्लान बिल्कुल ही परफेक्ट था। सिडनी को विलेन बनाकर रोमैन खुद हीरो बन जाएगा, द सोल सर्वाइवर। वो मिल्टन को भी मार डालता है मगर सिडनी को मार नहीं पाता, दोनों में हाथापाई होता है। रोमैन मार्क के बंदूक से उसे शूट भी कर देता है, मगर सिडनी ने भी उसी की तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी, तो ये गोली उसे नहीं लगती, उल्टा वो रोमैन को स्टैब कर देती है। तब तक गेल, डुई और डिटेक्टिव मार्क इस कमरे में पहुंच चुके थे। वो लोग इस नकाब के पीछे असली चेहरे को देखकर बिल्कुल चौंक गए थे, उन्हें लगा ये शायद मर चुका है, लेकिन रोमैन अभी भी जिंदा था। वो फिर से एक बार अटैक करता है और डुई उसके माथे पर गोली मार के उसे मार डालता है। मतलब फिर से एक बार ये तीनों लोग बच गए थे।
मतलब सीरियसली किसी बिल्ली से भी ज्यादा लाइफ है इनके पास। एनीवेज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इस केस में भी वही हुआ, टुई और गेल फिर से एक बार पैच अप करते हैं और सिडनी भी अपने डर से बाहर आ चुकी है। फाइनली वो अपने आप को सेफ फील कर रही है, अभी उसे किसी हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं। तो उसके इस न्यू लाइफ के साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इसका और एक पार्ट ही बाकी है स्क्रीन 4 में, उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।